हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अनन्या है और आप देख रहे हैं इंटीरियर माता। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और इस चैनल में मैं इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड सारी वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपने इंडोर प्लांट्स के साथ आपके घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। समर आ गया है और हम सभी चाहते हैं अपने घर को एक काम, एक सूदिंग, एक इन्वायरमेंट दे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग घर में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स रखें, और इसको कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इंडोर प्लांट्स के बारे में कम जानते हैं या फिर पहले कभी इंडोर प्लांट्स अपने घर में नहीं रखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जाके बहुत सारे इंडोर प्लांट्स एक बार में मत खरीदिए। आप स्लोली स्टार्ट कीजिए बाय बाइंग वन और टू प्लांट्स, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू बाइंग मोर। सो आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी और आप अच्छे से आपके प्लांट्स के टेक केयर भी कर सकते हैं। नाउ इंडोर प्लांट्स आर नॉट रियली एक्सपेंसिव। आपके घर में पुराने बॉटल्स हो या फिर पुराने कप्स हो जो आप यूज़ नहीं करते हैं, उसमें भी आप आपके इंडोर प्लांट्स को लगा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइज, दोज लुक रियली नाइस। एंड अगर आपके पास बड़े प्लांट्स हैं तो फिर आप ऐसे भी आप के DIY कुछ कर सकते हैं जहाँ पे आपके प्लांट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ दिस DIY आई मेड फॉर माई बेल्कोनी मेकओवर वीडियो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। पहले डेकोरेशन में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप एक सेंटर टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक डेकोरेटिव ट्रे रख रही हूँ और उसके ऊपर दो बुक्स रख रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ी सी हाइट देने के लिए मैं एक बुद्धा की मूर्ति रख रही हूँ। आप इसके ऊपर कैंडल्स या फिर कैंडल होल्डर्स ये भी रख सकते हैं। अब मैं कुछ कोस्टर्स ऐड करूँगी। कोस्टर्स रखना सेंटर टेबल में बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई पार्टी हो रहा है या फिर कोई घर में आया हुआ है तो कोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक कैंडल रखूँगी। ये कैंडल मेरे गोल्ड मेरे घर के सारे जो एक्सेंट पीसेस है उसके साथ मैच करता है। लास्ट आई एम एंडिंग दिस डिज़ाइन बाई प्लेसिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लू कलर ग्लास बॉटल जिसमें एक मनी प्लांट डाला हुआ है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये प्लांट देखे होंगे, ये डेकोरेशन देखा होगा, बट गाइज बिलीव मी दिस लुक्स ऑसम। एंड डेफिनेटली अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलिए। नाउ इस कॉर्नर को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी। पहले इस टेबल के ऊपर मैं एक लंटर्न रख रही हूँ। नाउ आई एम कीपिंग दिस ग्रीन प्लांटर। आपने ये प्लांटर काफ़ी बार मेरे वीडियोस में देखा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने ये एट होम डेकोर से ख़रीदा था। इसके साथ मेरी जो कैंडल की ब्लू कलर है बहुत अच्छे से मर्ज कर रही है, एंड द लंटन इज़ इन गोल्ड कलर। तो सारे जो एक्सेंट पीसेस है मेरे घर के वो सारे गोल्ड कलर में है। सो इट इज़ गोइंग विद द थीम, इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। ऐसे आप आपके घर में एक बहुत कोजी, बहुत क्यूट सा एक कॉर्नर बना सकते हैं विच विल लुक रियली रियली नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेकोरेशन आइडिया, मैं इस बार एक एरिका पाम की ट्री लूँगी एंड उससे इस कॉर्नर को डेकोरेट करूँगी। ये जो ट्री है ये बहुत दिनों से मेरे पास है, मैं इसको इस कॉर्नर में रख रही हूँ। सोफे के ऊपर मैं एक बहुत कोजी वाइट कलर की कुशन रख रही हूँ, एंड उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक लगाने के लिए ब्लू कलर की कुशन रख रही हूँ। आई एम टॉपिंग इट ऑफ विथ दिस कोजी थ्रो विच आई बॉट फ्रॉम बैंको, दू हैव सीन इन माई लास्ट बेडरूम मेकओवर वीडियो। ये मैं इस कॉर्नर में रख रही हूँ, एंड दिस कोजी कॉर्नर इज़ रेडी गाइज विद दिस ब्यूटिफुल एरिका पाम। एंड मैंने इसके ऊपर कुछ राइस लाइट्स लगाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट, दिस इज़ मून कैक्टस प्लांट विच आई हैव बॉट फ्रॉम अमेजन। मैंने इसको इस ग्लास के मग में लगाया है जो टूटा हुआ था, एंड आई यूजुअली कीप दिस ऑन माई बुक रैक और ड्रेसिंग टेबल। दिस इज़ ऑल्सो अ सुपर क्यूट आइडिया टू एड सम कलर्स इन योर इंटीरियर एज वेल एज अ ब्यूटिफुल एडिशन टू योर इंडोर प्लांट्स। नेक्स्ट आइडिया इज़ टू प्लेस मनी प्लांट्स ऑन योर शेल्व्स और वॉल रैक्स। यू कैन डेकोरेट
these with some candles, books, or like I did, place a diffuser bottle, or you can skip anything and place it alone. Remember just to place them in a certain area where they get sufficient sunlight, or not direct sunlight but indirect sunlight, and you are good to go. These are so reasonable, so easy to maintain. All you have to do is water them once in a week, and that's all. और अगर आपके घर में जगह नहीं है कहीं पे भी प्लांट्स रखने के लिए, ऐसा हो भी सकता है तो आप इन सबको हैंग भी कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट हैंगर जो है ये बनाया था मेरे लास्ट वीडियो में, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में दे दूँगी। आप किसी भी जगह से ये हैंग कर सकते हैं बिकॉज दे आर सुपर लाइट, एंड आपके घर में जो प्रॉब्लम होगी स्पेस की वो भी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। गाइज ये तो थी बहुत इजी तरीके से आप कैसे इंडोर प्लांट्स को मेंटेन कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं आपको थोड़े से कम्प्लेक्स वे समझाऊंगी, जहाँ पे आप डिफरेंट वे में कैसे आपके इंडोर प्लांट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू गिव द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इनमें से कोई भी आइडिया ट्राई करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम में एक सेपरेट आइकन बनाया है सब आर्ट बोल के, जहाँ पे आप लोग जब भी मुझे कुछ टैग करेंगे मैं वहाँ पे मेरी स्टोरीज़ में ऐड करेंगे, उस सेक्शन में मैं ऐड करूँगी, ताकि जो भी बाहर से आते हैं, जो नए हमारे इंस्टाग्राम फैमिली में ज्वाइन करेंगे, वो सारे उन आइडियाज़ में से आइडिया पिक कर सके। एंड आप अगर मेरे आइडियाज़ ना भी ले, अगर खुद के भी होम डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन के कुछ आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर टैग करें, ताकि मैं वो सारी चीज़ें बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और बाकी लोग देख के भी इंस्पायर हो सके, एंड दे कैन हैव देयर ओन काइंड ऑफ मेकओवर। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।